दुटुक में बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में महाब्राह्मण समाज पंचायत का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। लेकिन इस दौरान ब्राह्मण समाज में पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर गुस्सा दिखा। जहां हिंदू धर्म, रामचरितमानस, ब्राह्मणों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपना विरोध जताया। अब कार्यक्रम में मुद्दा उठा तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया, कहा कि वो इस तरह के बयानों पर अंकुश लगाएंगे। यानी अखिलेश यादव ने इसके जरिए यह जताने की कोशिश की कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित और बेतुके बयानों से पार्टी वास्ता नहीं रखती। लेकिन अखिलेश की नसीहत का स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई असर नहीं है, जहां नसीहत के बाद भी स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म को निशाने पर लिया। ऐसे में अब बीजेपी अखिलेश यादव पर यह कहते हुए निशाना साध रही कि यह उनका दोहरा चरित्र है, क्योंकि अखिलेश यादव नसीहत तो देते हैं लेकिन ऐसे बयानों के बाद भी स्वामी प्रसाद पर कार्रवाई नहीं करते। दो टूक में आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ बयान। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनावे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं। और वह सोचें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा। कल जब ब्राह्मण सम्मेलन था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस बात को फिर से दोहराया कि समाजवादी पार्टी सभी की पार्टी है, सभी धर्मों को मानने वालों की भी पार्टी है, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी भी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और सबको, सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले भी कहते रहे, कल भी इस बात को दोहराया है। और समाजवादी पार्टी सबकी आवाज़ को हमेशा उठाती रही है, ब्राह्मणों की भी आवाज़ अगर कोई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी उठा रही है। समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र, मठ मंदिरों में भी जाएंगे और हमारे साधु संतों को, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में भी अनावश्यक टिप्पणी करेंगे। तो स्वामी के बयानों पर अखिलेश की खामोशी, बीजेपी हमेशा से इस पर सवाल उठाती रही है। सवाल यह कि स्वामी पर कार्रवाई न करने के पीछे अखिलेश की क्या मजबूरी है। हालांकि स्वामी के बयान पर नाराजगी देखने के बाद अखिलेश ये जानते हैं कि यह गुस्सा उनको चुनाव में महंगा पड़ सकता है। यही वजह है कि वो अब पार्टी नेताओं को नसीहत देने में लगे हैं। सवाल की क्या यह नसीहत सिर्फ वोट बैंक पर सेधमारी के लिए है या इस बार वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने के मूड में है। दुटूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। अखिलेश की नसीहत स्वामी ने एक बार फिर कराई पजिया। स्वामी बेलगाम, समाजवादी पार्टी को क्या होगा 24 में नुकसान। स्वामी का विवादित जोश, यानी कि जो वो बयान दे रहे हैं, आखिर इस पर अखिलेश क्यों है खामोश। समाजवादी पार्टी की सियासी स्क्रिप्ट, पार्टी का दोहरा चरित्र, स्वामी पर होगा एक्शन, नसीहत का आखिर क्या है वोट कनेक्शन। सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, पर्चे करा दे, प्रशांत उमराव जी प्रवक्ता बीजेपी, भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य राज मिश्रा जी हिंदू धर्म गुरु। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। भुवन जोशी जी, वैसे बुरा तो आपको भी लगा होगा जब स्वामी प्रसाद के अनर्गल बयान सामने आए, उसमें ब्राह्मणों को भी उल्टा सीधा कहा गया, साधु संतों को। नाराजगी आपकी भी होगी, लेकिन जब ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ समाजवादी पार्टी में तो यह बात खुलकर सामने आ गई। सवाल यह है कि अखिलेश के तो स्वामी सुनते ही नहीं। देखिए राजपूत जी, समाजवादी पार्टी के नेता जो माननीय अखिलेश यादव जी जो पाठ हमको पढ़ाते हैं वो है सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का आदर करना। और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी में एक ही नेता है, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कोई कनिष्ठ कार्यकर्ता होता है, लेकिन जिस रास्ते पे हम चलने का काम करते हैं वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी का बताया गया रास्ता है, और वो रास्ता है समाजवाद का, और वो रास्ता है सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग। उसी समाजवाद, उसी सभी जाति, काटना चाहूंगा माफी के साथ, उसी जाति, उसी समाज में ब्राह्मण लोग भी आते हैं जिनका सम्मेलन आप लोग कराते हैं, और उसी ब्राह्मण सम्मेलन में ये नाराजगी भी व्यक्त की गई। देखिए ब्राह्मण सम्मेलन कराया हमने, ब्राह्मणों पे काम भी करने का काम करा माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी ने। मैं आपको, अगर आप लखनऊ कभी गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, वो पार्क को भी देखने का, जनेश्वर मिश्र पार्क को भी देखने का काम करा। वो केवल समाजवादी लोगों की, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं।
मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू शब्द एक धोखा है। लक्ष्मी जी, वो मैंने विषय बोल दिया, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं ना लक्ष्मी जी, ब्राह्मणों की बात हो, साधु संतों की बात हो, राम मंदिर की बात हो, रामायण की बात हो, रामचरितमानस की बात हो, दोहे की बात हो, हर जगह, तो फिर हम अखिलेश यादव की बात मानते रहे। अखिलेश यादव, अगर अखिलेश यादव की ही बात हो तो आके बयान दे देना इस पर। देखिए, मैं कल उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया, जब उन्होंने कह दिया कि पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती तो कोई बात ही नहीं है, वो मौर्या जी का व्यक्तिगत बयान है। कैसे व्यक्तिगत हो सकता है प्रशांत उमराव जी, कैसे व्यक्तिगत हो सकता है, ये समझ से परे है। इनके पार्टी के खुद ब्राह्मण नेता जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं पहले दिन से लेकर आज तक, अखिलेश की क्या मजबूरी, कौन सा राज दबा कर बैठे हुए स्वामी? राहुल जी, मैं पहली बात तो ये कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, राजनीति में होते हैं, तो आपको कुछ व्यक्तिगत नहीं होता है। आप घर में भी कुछ कार्य करते हैं, अगर कुछ गलत काम करते हैं तो भी सार्वजनिक पटल में उसका जवाब देना पड़ता है। फिर तो स्वयं प्रसाद मौर्य जी MLC बनाए गए हैं, चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और वो लगातार, ऐसा नहीं कोई एक दो बार गलती से बयान दे दिया हो, तो लगातार 1.5 साल से मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, अपने ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट भी लिख रहे हैं, इस विषय में 500 डिबेट्स भी हो गई हैं, तो व्यक्तिगत बयान कैसे रह गया? और अब मुझे तो लगता है कि चूंकि जब मध्य प्रदेश में जो करारी हार हुई है समाजवादी पार्टी की, नोटा से कम वोट मिला है, उसके बाद हो सकता है कि इनको कुछ समझ में आया हो कि इस तरह का हिंदू धर्म को लगातार हम नीचा नहीं दिखा सकते हैं, तब इस तरह की उन्होंने बात कही है। लेकिन अब देखिए, कहने और करने में अंतर है। अखिलेश जी ने कहा भले है, अब देखिए आगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या आगे उनका गतिविधि होती है, उसका कुछ समय बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अब जो है एक बयान आ गया कि बीजेपी जो है वो राम मंदिर के ठेकेदार नहीं है। राम मंदिर से क्या लेना देना बीजेपी? बीजेपी तो हमेशा धर्म की राजनीति करती है। अगर आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो कौन से समाज की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हम तो राम मंदिर बनवाने के लिए बिल्कुल हमारे एजेंडे में रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के लोगों ने, साधु संतों ने बलिदान दिया है हमारे, हमने सुप्रीम कोर्ट में से लेकर हाई कोर्ट में राम मंदिर का सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी के जो वकील थे राम मंदिर का विरोध करते रहे, कपिल सिब्बल जो बाबरी की तरफ से वकील था उसको उन्होंने राज्यसभा सदस्य बनाया, जफरयाब जिलानी जो उनका उनका वकील होता था उसको अखिलेश यादव ने अपना एडवोकेट जनरल बनाया। तो ये तो भाई आप स्पष्ट है सब चीजें, यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बिल्कुल, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कौन किसके सपोर्ट में। हम लोग तो राम मंदिर के पक्ष में सदस्य रहे हैं। चलिए, अभी मथुरा और काशी का विषय बाकी है, समाजवादी पार्टी मथुरा में राम कृष्ण मंदिर बनवाने की बात करें, किसने रोक रखा है? आप आइए मैदान। स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रोक रखा है, स्वामी ने रोक रखा है। आचार्य जी, जब ब्राह्मणों की नाराजगी सामने आई तो ब्राह्मण सम्मेलन, और उसमें भी नाराजगी में एक ही बात सामने आई कि स्वामी नाम एक ही लिया गया, स्वामी अखिलेश क्यों मजबूर हैं, ये समझ से परे है। हर चुनाव में हार रहे हैं, ब्राह्मण दूर भाग रहे हैं, हिंदू दूर भाग रहे हैं। राहुल जी, श्रीरामचरितमानस में, मैं उस श्रीरामचरितमानस की बात कर रहा हूं जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य को जलाने पर और जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाने पर प्रमोशन दिया गया था, मैं उसी श्रीरामचरितमानस की एक चौपाई कोट कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। उसको ही जलाने पर और उसको ही अपमानित करने पर और उसी पर अभद्र टिप्पणी करने पर जो है ढोल गवार शुद्ध पशुनारी को लेकर के बड़ी सारी प्रश्न उठाने पर, रामायण गलत है, गोस्वामी तुलसीदास जी खराब है, सनातन धर्म खराब है, हिंदू धर्म खराब है, उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलने पर प्रमोशन दिया गया था, और उसी की एक चौपाई है कि झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। कुछ लोगों का ये तरीका होता है कि जिनकी बातों पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इलेक्शन आने पर, चुनाव आने पर नेताओं के शब्द इतने बदल कैसे जाते हैं, मुझे समझ, इतना परिवर्तन कैसे आता है। जो नेता कभी रामायण जलाने पर प्रमोशन दे रहा है, जो नेता कभी सनातन धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने पर आप देखा सबका सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, उस नेता को आज अपनी जमीन जब खिसकती हुई दिखाई देती है तो ब्राह्मण सम्मेलन करना पड़ रहा है। जो नेताजी का बयान था कि नहीं, अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे ऐसे बयानों पर लगाम लगाएंगे, उससे लेकर वो गंभीर भी है साहब। वो मैं वही तो सोच रहा हूँ कि उस टाइम कहाँ गए थे, सैर करने गए थे या सैफई प्रोग्राम हो रहा था या फिर नींद में थे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण जला रहे थे, जब सनातन धर्म पर प्रतिदिन आकर के बड़ी बड़ी सभाओं में अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे,
जब साधु संतों को गालियां दिया जा रहा था, जब सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा था, जब सिर्फ मजारों के लिए फंड दिया जा रहा था, जब सिर्फ मुस्लिम, ये तो मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटी है, तो स्वयं अखिलेश यादव जी का बयान है, ये तो बाकी किसी का बयान ही नहीं है। तो उस टाइम पर मेरे को समझ नहीं आया कि अखिलेश यादव जी ही नहीं इंडिया में या कुछ ऐसी परिस्थिति, भुवन जी आखिर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या स्वामी को लेकर ये क्यों ना कहे कि सांप और छछुंदर वाली कहानी हो गई है, ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, ऐसा ऐसी स्थिति बनी क्यों है? देखिए क्या है, एक मिनट आचार्य जी जोशी जी से ये सवाल है, उनकी पार्टी का मामला है। देखिए हमने बहुत जिम्मेदारी से करा, हम केवल नेताजी के बाद माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों पर चलते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी का जो विचार है, ऐसा क्यों नहीं जोशी साहब, कैसे जोशी साहब क्या निकाल देंगे, अखिलेश यादव का मामला है, स्वामी का मामला है, आज वो खुलकर नहीं बोलेंगे जो आप पूछना चाहते, लेकिन जो बोलना चाहते कम से कम वो तो बोलने दीजिए आप। देखिए सुशांत जी, हम केवल सुशांत कहां से आगे, आप क्यों भ्रमित हो जाते हैं जब आपकी पार्टी का मामला होता है? राहुल जी आज तो मेरी गलती इसलिए नहीं है कि आचार्य जी को शायद मेरे साथ दो तीन डिबेट तो ये कर ही चुके, प्रशांत भाई तो लगातार मैं स्वभाव में सुनता भी हूँ और सुनाना भी जानता हूँ, और जब किसी के बीच में कमी भूलता हूँ कोशिश करता हूँ। अब मेरा विषय है, मेरा आंसर ले लीजिए आप, सभी धर्म जो हमें पाठ पढ़ा चाहता हूँ, एक मिनट आचार्य जी क्या बीमारी है बोलने दीजिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जो आदरणीय नेताजी ने जो हमको पाठ पढ़ाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो हमको पाठ पढ़ाया, हम लोग उसी रास्ते पे चलने का काम करते हैं, और वो सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को नहीं, नेता जी ने तो MY का पाठ पढ़ाया, अखिलेश जी PDA का पाठ पढ़ा रहे हैं, और उसमें से भी अखिलेश जी के साथ स्वामी है जो कि हिंदुओं को अपशब्द कहते हैं, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा कहते हैं, राहुल जी देवी देवताओं को उल्टा सीधा कहते हैं, राहुल जी उन्होंने बोला ना PDA को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा समाज, नहीं अगड़ा समाज कहाँ, वो ब्राह्मण नाराजगी दिखे तो अगड़ा समाज हो गया, अगड़ा बोला, औरत बोला, जोशी जी पत्रकारों को बताना पड़ेगा तो फिर बेकार। जोशी जी आपको भी बुरा लगा था कि नहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे थे, हम पार्टी लाइन से हटकर बात करते हैं, स्वामी का बयान भी मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा, मैं आपको कारण बताऊंगा। मैं तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को केवल एक वरिष्ठ कार्यकर्ता मानता हूँ, मेरे नेता केवल अखिलेश यादव, इतना मतलब इतना बड़ा दिल है आपका अखिलेश यादव की तरह, मैं केवल माननीय अखिलेश यादव आपके धर्म को उल्टा सीधा बोले और आप कुछ भी ना कहें, ना अखिलेश यादव से शिकायत भी ना करें, स्वामी जिस दिन माननीय अखिलेश जी इस तरह की भाषा बोलेंगे तब विषय अलग होगा, लेकिन जब स्वामी प्रशांत जी मोहल्ले में बदमाश बच्चा भी होता है, ठीक है मान लिया कि वो बदमाश है, तो उसे ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए राहुल जी, अभी हम डिबेट कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर बयान आ गया है, आज जंतर मंतर बहुजन सम्मेलन नाम से एक कार्यक्रम हुआ है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर बयान दिया है कि हिंदू धर्म एक धोखा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म कुछ लोगों के लिए धंधा है। इसीलिए तो मैं आदरणीय जोशी जी से पूछना चाहता हूँ कि हम तो डिबेट कर रहे हैं अखिलेश जी के बयान के बाद, आज ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दे दिया 1 घंटे पहले, उन्होंने स्वयं अपने ट्विटर अकाउंट पे वीडियो और फोटो पोस्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से कह रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, तब इसमें समाजवादी पार्टी को अपना रिएक्शन देना चाहिए, वो तो अखिलेश जी को भी नहीं मान रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, उसके बाद अखिलेश जी ने मना किया, जोशी जी तो मानते हैं अखिलेश यादव को, स्वामी ने माने अखिलेश यादव को, राष्ट्रीय महासचिव आप कैसे कह सकते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है? देखिए प्रशांत, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बंधा राहुल जी, मैं उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं यादव जी के बताए हुए, मैं कहता हूँ जोशी जी गंभीरता से लीजिए ना लीजिए, ये आपकी कॉल है, लेकिन वो तो गंभीरता से लेना अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव को तो स्वामी भी गंभीरता से नहीं ले रहे, हम लोग उनके विचार के साथ हैं, हम लोग उनके विचार के साथ, जैसे आप अखिलेश यादव को गंभीरता से ले रहे हैं और स्वामी को नहीं ले रहे हैं, वैसे स्वामी अखिलेश यादव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। देखिए हमारे नेता केवल माननीय अखिलेश यादव जी, उनका विचार ही पार्टी की लाइन है, समझ में नहीं आ रहा, ये तो सवाल का जवाब ही नहीं है, आचार्य जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है कि सिर्फ भुवन जोशी साहब को कुछ लाइनें लिख करके आज दी गई हैं कि आपको इससे आगे कुछ बोलना नहीं, आपको सिर्फ दो शब्द बोलना है कि मेरे, इससे पहले जब डिबेट हुई जोशी जी तो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, आज तो शांत होके बैठे हुए हैं।
मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा कुछ लिखकर ही नहीं लाए हैं कि मेरे नेता सिर्फ अखिलेश यादव हैं और जो वो कहेंगे मैं वही सुनूंगा, वही बोलूंगा, वही करूंगा, उसके आगे कुछ जाऊंगा नहीं। अरे साहब, अगर आपके नेता अखिलेश यादव जी हैं तो उन्हीं अखिलेश यादव जी बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी को प्रमोशन दे रहे हैं, बिना उनके महासचिव का पद आखिर कौन दे रहा है? और वही अगर अखिलेश यादव जी उनको प्रमोशन दे रहे हैं और वो बार बार आकर के इसी हिंदू धर्म का, इसी हिंदुओं का, इस सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, फिर आप ब्राह्मणों के सामने ढोंग करते हैं कि जब हम किसी को कुछ करने का, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, आखिर ये ढोंग क्यों भाई? एक तरफ खुलकर चलिए ना। मैं बार बार आपको कहता हूं पब्लिक कंफ्यूज होती है, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जिनके लिए आपके नेता टोपी लगाते हैं ना, जिनके लिए मजार पर जाकर के चादर चढ़ाते हैं ना, जिनको कहते हैं कि वो बेटियां सिर्फ उन्हीं की बेटियां हमारी बेटी है ना, वो भी आपसे कंफ्यूज है कि जब करना क्या चाहते हो आप लोग। तो इसलिए आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि आपको यहां पर आज जो दो लाइन लिख कर जोशी जी बताना क्या चाहते हैं, आचार्य जी का सीधा सवाल है, बताना क्या चाहते हैं? देखिए मैं तो इनको याद दिलाना चाहता हूँ, एक मिनट, देखिए मैं तो इनको याद दिलाना चाहता हूँ, एक सब यही समाजवादी पार्टी है जिनने भगवान परशुराम की छुट्टी छुट्टी करने का काम करा उसमें, लेकिन यही समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली भी चलाई थी, ये भी याद रखना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी है, एक बात ध्यान रख लीजिए। अरे सुनिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास मत सिखाइए, मुझे समाजवादी पार्टी का इतिहास बहुत अच्छी तरीके से पता है। सुन लीजिए आचार्य, क्या आप लोगों ने किया? आचार्य आप लोगों ने किया, यही बोलने तो दीजिए। आज वैसे भी जोशी जी नहीं बोल पा रहे हैं, बोलने तो दीजिए जोशी जी। नहीं आचार्य जी को पता नहीं, आप या तो राहुल जी इस तरह के डिबेट में जब इनको बुलाए तो इन्हीं को बुला लिया करें, क्योंकि मैं इनके समय में नहीं बोला ना, पटेल जी के समय में बोला, लेकिन इनको पता नहीं क्या दिक्कत है। आप दो लाइन से आगे नहीं बढ़ रहे तो मजबूरी है आपसे पूछना हमारा ना भाई। मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए आचार्य, अपना प्रश्न नहीं है आचार्य जी, ये भारत के सनातनी का प्रश्न है, ये आचार्य जी सुन तो लीजिए, जिसका आप सम्मेलन कर जोशी जी के केवल एक ही नेता अखिलेश यादव। जोशी जी आगे बोलिए। देखिए मैं इनको बताना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें ब्राह्मणों के आदर्श भगवान परशुराम की छुट्टी को खत्म करने का काम करा माननीय अखिलेश यादव जी का, जो ब्राह्मणों के पास, और वैसे भी कहना चाहता हूं मैं तो खुल के बोलता हूं, कृष्ण और सुदामा का प्यार तो पुराना है, हम तो कृष्ण और सुदामा के साथ हैं, देश की संस्कृति कृष्ण सुदामा के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी कृष्ण वंशज है, हम लोग तो उनके पुराने मित्र हैं, ब्राह्मणों का और यादव का तो पुराना प्यार है। आचार्य जी बोलने तो दीजिए, बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं जोशी जी, आगे बोलिए। तो कृष्णमन से हम उनके साथ पुराने समय से चले आ रहे हैं, ये तो हम भारत का इतिहास है कि कृष्ण और सुदामा का प्यार तो पूरा विश्व इसको फॉलो करता है और माननीय अखिलेश यादव जी उसी रास्ते पे चलते हैं, हम लोग उसी इसी को मार्गदर्शन लेते हैं। प्रशांत जी इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि स्वामी को कुछ कर ही नहीं पा रहे। उन्होंने कल बयान दे दिया, पूरे देश में चला है माननीय अखिलेश यादव जी का बयान जो है, इतना प्यार है कि कुछ कर नहीं पा रहे। प्यार में इंसान कभी कभी फैसला भी नहीं ले पाता। नहीं हमने तो बनाया जनेश्वर पार्क, बनाया, बताइए भारतीय जनता पार्टी को। प्रशांत जी से सवाल है, इतना प्यार है स्वामी से अखिलेश यादव को कि फैसला ही नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज है। बिल्कुल अब लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, भाई वो कुछ भी बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी के भी बयान उनके हिदायत के बाद भी वो नहीं सुधर रहे हैं। कल अखिलेश जी ने बयान दिया, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसी तरह जहर उगल दिया, वो भी आके दिल्ली के जंतर मंतर में भी 2 घंटे पहले। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति की आप कह रहे हैं, नहीं उनका व्यक्तिगत बयान, हमारे नेता अखिलेश यादव, भाई आपने उनको राष्ट्रीय महासचिव क्यों बना रखा है? क्या समाजवादी पार्टी में किसी की इतनी हैसियत है कि अखिलेश यादव की इच्छा के बगैर कोई भी कुछ बयान दे सके? मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव से बड़ा कोई समाजवादी पार्टी नेता है या उनके अलावा कोई हैसियत हो। यही तो कब से समझा रहे हैं अखिलेश जी के, उनके कंसेंट से दे रहे हैं, भुवन जोशी जी यही समझा रहे हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव है। तो वो तो ठीक है, क्या अखिलेश जी की इच्छा के बगैर क्या स्वामी की हैसियत है जो कुछ बयान दे दें? ऐसी बात तो नहीं हो सकती। ऐसा समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव की चलती है और कोई दूसरे नंबर नेता तो है नहीं। मुझे नहीं लगता, वो तो ब्राह्मणों का गुस्सा देखा तब अखिलेश यादव ने ये बोला, नहीं तो हमें लगता कि नहीं बोलते वो, मजबूरी में बोला, ऊपर से बोला, अंदर से बोला, वो जाने। हाँ तो इसका मतलब वो दिखाने का बयान था कि सामने कुछ लोग पड़ गए, सामने शिकायत हुई तो उन्होंने बोल दिया नहीं ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, आज फिर बयान आ गया। और ना ही अखिलेश जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेकर भी इस तरह कोई क्लियर नहीं बोला है, उन्होंने घुमा करके बातें बोली हैं। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी का चरित्र है भाई, जोशी जी की मजबूरी कुछ भी कहें, लेकिन जो उनका वास्तविक चरित्र है समय समय पर दिख जाता है, वो हिंदू विरोध पर आधारित है,
चाहे भक्तों पर गोली चलानी हो, राम मंदिर का विरोध करना हो, आज आज भी खुलकर के राम मंदिर का ये सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो कोर्ट के आदेश से मंदिर बन गया, जो होना था हो गया, तभी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हिंदू विरोध इनके इनको रग रग में भरा हुआ है समाजवादी पार्टी के, इसलिए उनका जो जो है जी, बार बार जोशी जी देखिए, अखिलेश यादव को तो नहीं कहेंगे लेकिन हम पूरे समाजवादी पार्टी को कहेंगे, ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए हमारे नेता का तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, कल पूरे देश में उनका जो बयान था वो वायरल हुआ है, उन्होंने उस बयान को गलत बताया है, मौर्या जी के बयान को गलत बताने का काम करा कि वो विवादास्पद जो बात उन्होंने कही है वो गलत है। और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी किसी धर्म किसी जाति किसी वर्ग के लिए कोई खिलाफत की बात नहीं की, वो सभी को साथ लेके चलने वो का ना बोले बाकी सब बोले तो चल जाएगा समाजवादी पार्टी में। अब पार्टी का कार्यकर्ता अपनी व्यक्तिगत राय है, उनके लोग वो लोकतांत्रिक पार्टी की व्यक्तिगत राय है, एमएलसी की व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती है? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ केवल माननीय अखिलेश यादव जी की लाइन है वही पार्टी की लाइन, पता नहीं कौन सी लाइन है, हमें तो आज तक नहीं समझ में आया। वो समाजवाद की लाइन है, सबको साथ लेके चलने की लाइन है। अब आचार्य जी बेहतर तरीके से जानते हैं, आचार्य जी पता नहीं आपकी बातों पर आचार्य जी क्यों आज हंस रहे हैं। मुझे राहुल जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जोशी साहब से, मैं चलो मान लेता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो इनके पार्टी की लाइन नहीं है, इनकी लाइन नहीं है, प्रमोशन देते हो, चलो अलग बात है भाई। अखिलेश यादव साहब का मैं एक शब्द आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था, जब श्री रामचरित मानस पर प्रश्न उठा रहे थे ढोल गवार शूद्र पशुमारी चौपाई का बार बार वर्णन करके उसका अनैतिक, तो अखिलेश यादव ने भी ये विधानसभा में ये सवाल किया था। मैं वही कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि योगी जी हमें बताएं कि हम शूद्र हैं या नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैंने इसको लेकर कई चैनल में डिबेट किया है, अखिलेश यादव जी ने भी उसी श्रीराम, इसका मतलब यह है कि लाइन लाइन स्वामी ने पकड़ी है, बाकी समाजवादियों ने नहीं पकड़ी है, जोशी जी ने नहीं पकड़ी है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर अगर अखिलेश यादव जी की ही लाइन पर चल रहे हो भाई, तो अखिलेश यादव जी ने भी भुवन जोशी साहब यही कहा था, क्लियर तो आचार्य जी डिबेट को लाइन पर लाए, जोशी जी जवाब तो देना पड़ेगा आपको। हाँ नहीं बिल्कुल देंगे भाई, अगर नेता सदन से विपक्ष का नेता प्रश्न पूछता है तो क्या गलत है, उन्होंने कहा तो यही सवाल तो स्वामी पूछ रहे थे, वही अखिलेश ने भी पूछा, और कैसा भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कहा गया समाजवाद। मैं एक मिनट भारतीय जनता पार्टी ने कैसा सलूक करा, एक ओबीसी मुख्यमंत्री के घर को धुलवाने का काम करा, ये भी तो देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा क्या काम करा। मैं तो पार्टी में तो बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं तो जिस ब्राह्मण का आपने सम्मेलन किया है उस ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करके आपका जो तरीका आपकी लाइन क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे तो क्लियर कीजिए। अगर मेरे ही मेरा प्रशांत उमराव जी इस चर्चा में एक चीज क्लियर हो गया जो आचार्य जी ने भी बात कही है कि ये ऊपरी गुस्सा है अखिलेश यादव का, लेकिन जो स्वामी कर रहे हैं वही चाहते हैं अखिलेश यादव। देखिए ये तो राहुल जी हम लोग पहले पहले दिन से कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी हैसियत नहीं समाजवादी पार्टी की, अपने मन से कोई बयान दे सके, समाजवादी पार्टी में किसी की नहीं है भाई, जो अखिलेश जी जो लाइन तय करते हैं वही इनके सारे प्रवक्ता सारे नेता बोलते हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने मन से बोले भाई। उन्होंने जब बयान देना स्टार्ट किया उसके बाद ही तो उनको एमएलसी बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, जब उन्होंने रामचरितमानस पे राम पे सवाल उठाने स्टार्ट किए उसके बाद वो राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, मतलब तो फिर ब्राह्मण सम्मेलन करने की क्या लगातार आप बोलते रहिए, ये तो स्पष्ट है कि उनके अखिलेश जी की लाइन पे भाई कुछ बातें हो सकता है, अखिलेश जी स्वयं में बोल पाते हो तो संसद मौर्य से बुलवा देते हैं कि भाई मैं तो साफ साफ बच जाऊं कि देखो मैंने तो बोला नहीं हमारे नेता ने बोला है, ये तो स्पष्ट है कि एक ही है भाई, मुंह अलग अलग है, व्यक्ति एक ही है, चाहे अखिलेश जी बोले या संसद मौर्य बोले उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। जोशी जी लेकिन आज आपका जोश बड़ा ढीला रह गया, आज चर्चा बढ़िया हो सकती थी लेकिन आप बोल नहीं रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाब्राह्मण सम्मेलन, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और ऐसे में सख्त छवि दिखाने की कोशिश में अखिलेश यादव, लेकिन बावजूद इसके नसीहत काम नहीं आ रही है, एक बार फिर बयान दिया स्वामी ने, सवाल ये कि क्या पार्टी लाइन नहीं है इसलिए मजबूर है अखिलेश, या जरूरी भी है, या कहीं हिंदू वोट बैंक न खिसके, इसे लेकर वो अपनी सख्त छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आकलन जरूर कीजिए। दो टूक मिलता है।